अगर मान लो बेटा, ठीक है, मान लो बेटा दुनिया दिख जाएगी आपको, पूरा संसार दिख जाएगा, तो आप क्या कर लोगे? है ना, कुछ कर तो पाओगे नहीं। कोई समस्या आपको घर में है, आप अपने आप को तो देख नहीं पा रहे हो, दुनिया को देख करके क्या उखाड़ लोगे? जिसको देखना है समस्या जहां है वो नहीं दिख रहा है, और दुनिया को देखने के चक्कर में फंसे हो, ब्रह्मांड को देखने के चक्कर में फंसे हो। हम लोगों को नहीं, देखो ये जरा कंट्रोल फ्रिक, ये ह्यूमन कंट्रोल फ्रिक है, तो ह्यूमन कंट्रोल फ्रिक है। अब इसकी सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि इसको जब ये कंट्रोल नहीं कर पाता तो ये फैंटेसी में कंट्रोल करता है। अब फैंटेसी में क्या करेगा? आपको आपके धर्म ग्रंथों में कहानियां आपके हैं कि अगर आप ये कर लोगे तो आप इसको कंट्रोल कर लोगे, अगर आप वो सिद्धि प्राप्त कर लोगे तो उसको कंट्रोल कर लोगे। अगर आप एक और लेवल पे पहुंचे, कुंडलनी जागृत हो गई, तो आप पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर लोगे, मतलब सूरज को भी नीचे उठा के खड़ा कर दोगे। अब उनको ऐसा लगता है कि सूरज शायद उसके कटोरी के बराबर होगा और पकड़ के नीचे खड़ा कर दोगे। अब उनको ये आइडिया ही नहीं कि सूरज की लंबाई चौड़ाई उसकी विड्थ कितनी होगी, उनको ये आइडिया नहीं, उनकी इमेजिनेशन से परे हो। चंद्रमा कितना बड़ा होगा, या वो ग्रह है उपग्रह है, वो तो सोचते हैं कि सिर्फ एक इतना बड़ा कोई है ऊपर लटका हुआ, उसको उठा के नीचे खड़ा कर देंगे, है ना। तो ये अपने हिंदुज्म में तो अब थोड़ा समझ में आने लगा है। हिंदुज्म में जो रिलीजन वाला पार्ट था ना, पहले तो स्पिरिचुअल पार्ट था, तो उसमें ज्यादा फालतू की चीजें थी नहीं, लेकिन जब से हमारे गुरु घंटाल लोग आए तो वो ये सब चीजें डालने लगे कि सिद्धि वाली पार्ट। सिद्धि वाला पार्ट तो महाबकवास का पार्ट है अपने यहाँ। लेकिन और अन्य धर्मों में देखो बेटा, दर्शनों एक चीज ध्यान दो, मैं जो भी साधना कर रहा हूं वो मैं अपने लिए कर रहा हूं, वो मैं इस दुनिया के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं एक चीज बिल्कुल हार्ड ट्रुथ बोल रहा हूं, मैं अपनी साधना के लिए कर रहा हूं। इवन कि मैं आज आपसे बोल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए है। अगर मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन ना होती तो मैं आपसे बात ना करता। एक पति भी अपनी पत्नी से बात करता है, तो अगर वो सेटिस्फाइड ना हो, संतुष्ट ना हो, तो बात क्यों करेगा भाई? तो इसीलिए हम अपने आप के लिए जी रहे हैं, अगर इतना समझ जाएं। लेकिन हमें तो भ्रम है कि हम अपने धर्म के लिए जी रहे हैं, अपनी सोसाइटी के लिए जी रहे हैं। एक नॉर्मल इंडिविजुअल आदमी को अपने लिए जीना चाहिए। अपने लिए जिएगा तो अगल बगल वालों को परेशान नहीं करेगा, वो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो दूसरे के लिए जीने लगता है। एक्चुअली वो दूसरे के लिए जीता होता नहीं है, कोई दूसरे के लिए नहीं जी सकता बेटा। तो वो जो कंट्रोल फ्रिक की मैं बात कर रहा था, कंट्रोल फ्रिक, कंट्रोल करने की जो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, ये बहुत बुरी टेंडेंसी है। और धार्मिक लोगों को तो सबसे ज्यादा होती है। धार्मिक लोग इतने मूर्ख होते हैं, जो सो कॉल्ड धार्मिक है, कि वो सूरज, नक्षत्र, चंद्रमा, तारे, ब्रह्मांड की एक एक चीजें तुरंत कंट्रोल करने के चक्कर में पड़ेंगे कि हम ये कर लेंगे। अब प्राणायाम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। कुछ लोग तो मेरे पास आते हैं कि हमको तो ब्रह्मांड दिख गया। लेकिन अब ये है कि इतने भोले लोग हैं कि ज्यादा आप बोल नहीं सकते कि तुम पागल हो गए हो, है ना।
अब तुम पागल हो गए, ये बोलना ठीक नहीं है। एक्चुअली वो पागल हो गए हैं, इसलिए नहीं बोलना ठीक है क्योंकि वो इलाज कराने के लिए आए हैं हमारे पास, हमको प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आए हैं। तो हमें थोड़ा कभी डांट के, कभी डिप्लोमेटिकली, मतलब हर एक एंगल से हैंडल करना पड़ता है। वो बहुत डीप घुस जाते हैं, बहुत डीप। उनको वो कहीं चींटियों से बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ जितने भी चीजें हैं वो मुझसे बात कर रही हैं। अरे भाई, किसी को यहाँ जन्नत दिख रहा है, 130 फीट की लड़की दिख रही है, तो वो कितना बड़ा महामूर्ख होगा बताओ। आप कंपेयर थोड़ी कर सकते हो उसकी मूर्खता के लेवल का। एक सामान्य आदमी को तो आप दिमाग को आप स्केल भी कर लो कि भाई यहाँ कितने लेवल की बेवकूफी है इसके अंदर। लेकिन एक आदमी आ गया, उसने कहा कि भाई ये आप करोगे, ऊपर वाले का फक्र होगा, तो जन्नत में 130 फीट की लड़की खड़ी है, बस प्यार कर लेगी आपको। मतलब वही एक अकेली बच्ची है जो प्यार करने के लिए बचा है, और आप पहुंच जाओगे स्वर्ग लोक, ऊपर मुक्त हो जाओगे। तो ऐसी ऐसी जो हम अपने दिमाग में भरेंगे कूड़ा कबाड़, तो मतलब माइंड को मैं क्या बताऊं। मुझे दुख होता है कभी कभी कि ऐसे लोगों का लेवल क्या होगा, और ऐसे लोगों को सुनने वालों या फॉलोअर जो हैं इनके, उनका लेवल क्या होगा। जो फॉलोअर्स भी हैं उन पे तो ज्यादा तरस आता है हमको। हिंदुस्तान में जैसे एक है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं कि रसगुल्ला खा लो, वो समोसा खा लो, आपको प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यहाँ समोसा से प्रॉब्लम बढ़ती हो, समोसा से प्रॉब्लम ठीक करवाते हैं। वो कहते हैं कि जाओ और पहाड़ पे दारू पी लो। हाँ, अगर प्रॉब्लम कोई, मतलब किसी ने कोई खड़े होकर के, मान लो सत्संग में उनकी प्रॉब्लम बता दिया कि गुरुजी मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो अब कोई ना कोई उनको साधन निकलता है उनके दिमाग में फटाक से, कोई फितूर बोल देते हैं। पहाड़ में मान लो बता दिया कि हिमालय पर्वत पे कोने पे चले जाओ, शराब पी लो। अब हिमालय, पहले तो हिमालय पर्वत पे चढ़ना मुश्किल है। अब वो पर्वत अगर कोई अनावश्यक कोई अनाप शनाप नाम बता दिया उनको, तो पर्वत ही ढूंढना मुश्किल है, इम्पॉसिबल केस होता है। अब भाई अगर कोई बता रहा है कि जन्नत में हूरें खड़ी मिलेंगी आपको, तो जन्नत ही ढूंढो पहले, तो उसके लिए तो मरना पड़ेगा आप। पहले तो जन्नत ही ढूंढ लो, उसके लिए तो शरीर को त्यागना पड़ेगा, शरीर को मारना पड़ेगा, गला कटवाना पड़ेगा। अब गला कटवाने के बाद कौन आएगा बताने कि आपको जन्नत कहाँ है, 130 फीट की लड़की कहाँ मिलेगी, है? तो हमें, हाँ,